ठीक है, तो हम लोग देखो पढ़ रहे थे एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। तो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। ठीक है, तो इमल्सन को हम लोग कैसे सॉल्व, इसका प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताती हूँ। देखो, इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड विथ एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, इसको डाइल्यूट कर सकते हैं विथ एनी डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन अदर एंड डिस्पर्स लिक्विड वेन मिक्स फॉर्म अ सेपरेट लेयर। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे तो एक अलग लेयर फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्रोपलेट इन इमल्सन आर ऑफन नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, दो ड्रोपलेट्स इन इमल्सन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है एंड कैन बी प्रिसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू पीपीटी फॉर्म करता है। नेक्स्ट है, इमल्सन शोज ग्रोवियन मोमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, उसका कैसा मोमेंट होता है, ग्रोवियन मोमेंट होता है और वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, मतलब उसके पार्टिकल्स के थ्रू अगर लाइट पास करोगे तो लाइट को स्कैटर करता है। ठीक है, ये लिख लो, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन है। ठीक है, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, टू लिक्विड्स इन इमल्सन कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग। ठीक है, दो लिक्विड्स को अलग कैसे कर सकते हैं, उसको गर्म करके, उसको फ्रीज करके और सेंट्रीफ्यूगिंग करके। ठीक है, उसको या गर्म करो या उसको जमा दो या उसमें से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग कर दो बाय सेंट्रीफ्यूगिंग। ठीक है, सेंट्री है ये, फ्यूगिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स का एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है, इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक। ठीक है, तो देखो, स्मोक जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो स्मोक में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन होता है, आर्सेनिक कंपाउंड होता है और डस्ट होता है। ठीक है, व्हेन अ स्मोक इज अलाउड टू पास थ्रू चैम्बर, ठीक है, कंटेनिंग प्लेट्स हैविंग चार्ज अ स्मोक पार्टिकल, दे लूज देयर चार्ज एंड गेट पीपीटी। ठीक है, स्मोक को अगर आप चैम्बर से पास करोगे तो वो पीपीटी फॉर्म करता है। ठीक है, और अपना चार्ज को लूज कर देता है। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पार्टिकल सेटल डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ चैम्बर। ठीक है, जो पार्टिकल्स है ना स्मोक का, वो चैम्बर में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द प्रिसिपिटेटर इज कॉल्ड कोट्रेल प्रिसिपिटेटर। कोट्रेल प्रिसिपिटेटर उसको बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो वाटर ऑफ तो ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसको इमल्सन का, उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग इमल्सन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वाटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस कंटेन कोलाइडल इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस जो हम लोग वाटर ऑब्टेन करते हैं वो तो कोलाइडल इम्प्योरिटीज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, बाई एडिशन ऑफ अलम सच दैट वाटर, एलम में अगर वाटर ऐड करेंगे तो कोलाइडल इम्प्योरिटीज गेट कोगुलेटेड। तो कोलाइडल इम्प्योरिटीज जो होता है कोगुलेट हो जाता है और सेटल डाउन होता है नीचे। ठीक है, दिस मेक्स वाटर टू पोर्टेबल। ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन में नेक्स्ट पॉइंट है मेडिसिंस। ठीक है, तो मेडिसिंस के बारे में देखिए, यूजुअली मेडिसिंस आर कोलाइडल इन नेचर। जो मेडिसिन होता है वो कोलाइडल इन नेचर होता है। ठीक है, तो कोलाइडल मेडिसिंस आर मोर इफेक्टिव ओइंग टू लार्ज सरफेस एरिया, टू वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एंड इजी एसिमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका एक एग्जांपल दे दिया हूं मैं, ये मेडिसिन का नाम है,
एग्रो रोल इज अ सिल्वर सोल यूज्ड एज एन आई लोशन। ठीक है, आई लोशन की तरह हम लोग इसका यूज करते हैं एजरी रोल को। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया एन इमल्सन इज यूज इन स्टमक डिसऑर्डर। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का हम लोग यूज करते हैं जब स्टमक में डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लिख लो। ठीक है, देखो नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रबर इंडस्ट्री। ठीक है, तो रबर इज ऑब्टेन बाय कोगुलेशन ऑफ लेटेक्स। ठीक है, रबर को हम लोग लेटेक्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, इमल्सन का नेक्स्ट यूज है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक प्लेट्स, फिल्म्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक पेंट्स, इंक, सिंथेटिक प्लास्टिक रबर, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट, सीमेंट्स आर कोलाइड्स। ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स और इंडस्ट्री में क्या क्या यूज होता है? पेंट्स होता है, इंक होता है, सिंथेटिक प्लास्टिक, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ये लिख लो। फिर नया चैप्टर पढ़ेंगे कल। हाँ सर।